Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मंगलवार की रात गायक केके का बंगाल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हालांकि उनके शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला भी दर्ज किया है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केके के निधन पर गहरा दुख प्रकट कर संवेदना व्यक्त की थी। अब वह केके के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने भी पहुंची है। ANI के एक ट्वीट किया है, इसमें ममता बनर्जी को गायक केके के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाते हुए देखा जा सकता है। ANI ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गायक केके को रविंद्र सदन में अंतिम श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ दो तस्वीरें शेयर की गई है, इसमें वह केके के शरीर पर फूल चढ़ा रही है तो वहीं दूसरे फोटो में वो हाथ जोड़कर नजर आ रही हैं। ANI ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि गायक केके के पार्थिव शरीर को SSKM अस्पताल से रविंदर सदन ले जाया गया। गौरतलब है कि केके लोकप्रिय गायक थे, उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए थे। वह बंगाल में एक लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे, इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और कॉन्सर्ट से अस्पताल ले जाते वक्त उनका निधन हो गया। उनके निधन पर कई लोगों ने दुख जताया है, इनमें बॉलीवुड के भी कई सारे कलाकार हैं। केके का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा। वो कई फिल्मों में लोकप्रिय गाने गा चुके हैं, उनके गाए हुए गाने काफ़ी पसंद किए गए हैं और केके की काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। अब उनके निधन पर सभी दुखी नज़र आ रहे हैं। दरअसल बात करें तो कोलकाता में केके परफॉर्म कर रहे थे और उस दौरान ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्षमता से ज़्यादा लोगों को उस हॉल में घुसाया गया था, प्लस वहाँ पर AC नहीं चलाया गया था, जिसके चलते केके का निधन हो गया है। उसके बाद पूरा इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी के अलावा तमाम बड़े दिग्गज राजनेताओं के साथ साथ कलाकारों ने भी जो केके हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनका कल जो है मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव के Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.